मेरा नाम रीना चौधरी है जी, और मैं इनके साथ जाती हूँ समर्थनों में। कितने गांव में घूमी हूँ, पर जितनी तरक्की होनी चाहिए यहाँ इतनी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ गाँव की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, कहीं स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, और मतलब बहुत बेरोजगारी है। कितने लोगों के घर इतने टूटे हुए हैं कि उसमें आम इंसान रह नहीं सकता, मतलब बहुत बेरोजगारी है, उन्हें बहुत सुधारने की जरूरत है। इसलिए हमारी प्रत्याशी हैं ये, जो मतलब आम आदमी पार्टी है, ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मतलब ये सरकार आए और इनको सुधार करे। जो मतलब गरीब लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते, जिनकी पेंशन नहीं है, जो मतलब उनके आगे नहीं बोल पाते, जो विधायकों से नहीं मिल पाते, उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतलब हम लोग आगे बढ़ें और उनके लिए हम लड़ाई लड़े। का एक डिबेट हुई, उसमें हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि भाई हम यहाँ डिबेट करने के लिए आ रहे हैं, जबकि हर प्रत्याशी को बुलाना चाहिए और बुलाया जाता है हर प्रत्याशी को, लेकिन उन्हें हम उनकी पोल खोलते इसलिए हमें नहीं बुलाया गया वहाँ पे। धन्यवाद जी साहब, धन्यवाद। आज हम बैठे हुए हैं नगला भटौना में, पूनम सिंह प्रत्याशी हैं जेवर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के। बड़ी आपने नारा दिया जेवर भी होगा खुशहाल, आ रहे हैं केजरीवाल, तो आज हमारी आपसे वार्ता हो रही है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे मुद्दे हैं जनता की भलाई, जनता की प्रगति। जो आम जनता को सुविधाएं चाहिए, हमारी पार्टी वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, चाहे वो शिक्षा हो, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिजली, रोजगार और महिला सुरक्षा, महिला सम्मान। नहीं, अभी क्षेत्र में जैसा कि यहाँ पर तो विकास के नाम पर लेते हैं, जेवर एयरपोर्ट आ चुका है, तो ऐसा क्या विशेष कार्य रह गया जिसको आप स्पेशल करेंगे? अभी कहने के लिए बहुत सारे इन्होंने बताए हैं कि विकास आ गया है, पर विकास कहीं नहीं है। कुछ देखने को विकास के नाम पे आपको मिलेगा नहीं। आप गांव में घूम के देख लोगे तो टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियां हैं, और स्कूल अच्छा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ परेशान जनता है चारों तरफ से, कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अस्पताल कुछ भी नहीं है ऐसा। जनता के बीच में आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमारा मुकाबला तो सिर्फ इन बुराइयों से ही है, और हम इन्हीं से जीत पाना चाहते हैं। हमें नहीं, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, हमें जनता के लिए काम करना है। हम काम करने वाली पार्टी हैं, दिल्ली में हम इतने साल से कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ही लोगों का भला करना है, समाज की भलाई करनी है, और जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना है। देखिए, यहाँ की जनता को कोई भी सुविधा नहीं है, बुजुर्ग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है, कहने के लिए उनकी 500 रुपये पेंशन कही गई है पर वो भी मिलती नहीं है। जिनको हम मिलते हैं, इतने बुजुर्ग मिलते हैं, वो सब परेशान हैं, दो दो तीन तीन महीने तक पेंशन आती नहीं है, आधे से ज़्यादा लोगों की बनी नहीं है, बनी भी है तो उसके लिए उन्हें दलालों से यहाँ वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके उनकी मुश्किल से बनती है, वो भी मिलती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करिए, हमने मुद्दा रखा है सबका साथ सबका विश्वास, इससे पे आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो मुद्दे रखते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ना तो यहाँ किसी का साथ है, अगर साथ होता तो ये भेदभाव जाति पाति की बात ना होती, विकास होता तो यहाँ अच्छी सड़कें होती, अस्पताल होते, स्कूल होते, टूटी फूटी नालियां ना होती, लैटरिन बनी होती घर घर में, जो कि इन्होंने कहा अच्छे मकान बने होते, आज भी टूटे फूटे खंडर मकान दिखाई दे जाएंगे आपको गांव में। और क्या कहना चाहते हैं अंत में? मैं यही कहना चाहूंगी कि व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, एक ऐसी सरकार लाने की जरूरत है जो हर एक का हित सोच करके चले। महंगाई जो चरम पर है, आम जनता इतनी परेशान है, गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, कहने को सिलेंडर बंटवा दिए गए पर उन्हें भरवाने तक के पास लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कोने में पड़े हुए हैं, और बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। हमारी पार्टी आम मुद्दे लेकर चल रही है, हम सिर्फ राजनीति करने नहीं, हम मुद्दे लेकर आए हैं जनता की भलाई के लिए, अच्छी स्कूल व्यवस्था लाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनवाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए। जो किसान जिनके साथ में इतना अन्याय हुआ है, इतने लंबे टाइम तक जिन लोगों ने धरना दिया और इन्होंने उन्हें इंसान भी नहीं समझा, उन किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए हम आए हैं। किसानों की हर समस्या में हम उनके साथ खड़े हैं, उन्हें जहां भी जरूरत होगी उनके लिए पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा से संघर्ष वाली पार्टी रही है और अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है, हमारा ये मुद्दा हमेशा ऐसे ही रहेगा। उनके साथ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बोलिए। हम महंगाई से बहुत परेशान हैं, अब देखो सिलेंडर है इतना महंगा है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, तो बताओ वो बेचारा कैसा करेगा, हैं? गरीब आदमी है, आज की डेट में मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है, बोलो
कैसे चलेगा ये? आप क्या कहना चाहती हैं मैडम, आप बताइए कुछ। हम सब लोग यहाँ परेशान हैं महंगाई से, और स्वच्छता जो एक सिर्फ नाम रह गया है, स्वच्छता के नाम पे गांव गांव में जाके देखिए आप कुछ नहीं मिलेगा, महंगाई है, सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, आप सब्जी एक नॉर्मल इंसान जाके सब्जी तक नहीं खरीद पा रहा है तो वो खाएगा क्या? सरसों का तेल है वो छौकेगा किसमें? सब्जी के पानी में छौक के खाएगा? हम सब महंगाई से इससे परेशान है बहुत ज्यादा। प्रधान जी, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आपकी धर्मपत्नी जी है, क्षेत्र में आप दौड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं बेरोजगारी से। हम गांव-गांव का दौरा करते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं बेरोजगारों की इतनी तादाद होती है कि हमें भी देख के बड़ा दुख होता है, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में रोजगार के ऑप्शन हैं, इतनी कंपनियां खुली हुई हैं। जब गवर्नमेंट से इन कंपनियों को ज़मीन अलॉट होती है तो ये 40% कोटा लोकल बच्चों के लिए रखा जाता है ताकि लोकल क्षेत्र का विकास हो सके, इसलिए 40% कोटा रखा जाता है। इन कंपनियों ने जो 200 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड लगा रखे हैं कि 200 किलोमीटर दूर का जो बच्चा होगा उसे रोजगार देंगे। सबसे पहला काम हमारी पार्टी आते ही सबसे पहला काम उन बोर्डों को उखाड़ने का करेगी और बेरोजगार बच्चों को 40% कोटा जो मिलना चाहिए उसको दिलवाने का काम करेगी। तो किससे टक्कर मानते हैं आप वर्तमान क्षेत्र में? हमने दिल्ली के अंदर विकास किया है, हम काम पे नाम पे वोट मांग रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं अगर सरकारें चाहें तो। हमारी जुमलेबाज सरकार नहीं है, हमारी काम करने वाली सरकार है, और बाकी जितनी पार्टियां हैं सब ने जुमलेबाजी की है, वो चुनावी वादे करती हैं, चुनाव के बाद में लोगों को ना मिलता है कोई, ना क्षेत्र में विकास होता है। हमारी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया और 3 बार हमारी लगातार सरकार बन रही है दिल्ली के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भी हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, हर जगह हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे संघर्ष को, जो हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है उसको दिखाया नहीं जा रहा, ये न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहे हैं उसको, लेकिन हम तो आपकी सेवा में आए हैं। आप ठीक है, आपका धन्यवाद है, लेकिन बाकी जो बड़े न्यूज़ चैनल है ये कोई नहीं दिखा रहा। एक डिबेट हुई उसमें हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि भाई हम यहाँ डिबेट करने के लिए आ रहे हैं, जबकि हर प्रत्याशी को बुलाना चाहिए और बुलाया जाता है हर प्रत्याशी को, लेकिन उन्हें हम उनकी पोल खोलते इसलिए हमें नहीं बुलाया गया वहाँ पर। धन्यवाद जी साहब, धन्यवाद।